हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिन स्ट्रीट। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जियोटस क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के कस्टमर सपोर्ट के बारे में। और अगर आपको इंडिया में डिफरेंट एक्सचेंजेस के ऊपर बिटकॉइन का प्राइस कंपेयर करना है तो विजिट कीजिए हमारे नए प्लेटफॉर्म hodlinfo.com पर। जियोटस क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज जो है वो अपने यूजर्स को 100% इंश्योरेंस देता है अगेंस्ट थेफ्ट, जो भी साइबर थेफ्ट होते हैं उनके अगेंस्ट। और ये जो एक्सचेंज है उसके ऊपर अभी तक मोर देन 100 क्रिप्टो करेंसी पेयर्स जो हैं वो अवेलेबल है। और ये जो एक्सचेंज है वो क्लेम करता है इनका जो KYC वेरीफिकेशन प्रोसेस है वो इंस्टेंट है, यानी कि 95% ऑफ जो KYC वेरीफिकेशन के लिए इनके पास जो लिस्ट आती है वो 10 मिनट्स के अंदर अंदर ही वो कंप्लीट कर देते हैं। अब हम बात करते हैं कि कैसे आप इस एक्सचेंज के ऊपर अपना जो अकाउंट है वो क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको जो जियोटस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर जाना है, और उसके ऊपर सबसे पहले आपको अपना नेम, अपना लास्ट नेम, आपका जो करेंटली एक्टिव फोन नंबर है वो डालना है, और उसके बाद अपना मेल आईडी डालना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको अपना एक पासवर्ड जनरेट करना है। ये सब करने के बाद आपको जो है अपना अपने जो अपना करंट नंबर जो डाला था उसके ऊपर आपको एक कोड आएगा जिसकी मदद से आपको जो अपना नंबर है उसे वेरीफाई करना है। नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आपको जो अपना जो इसके अंदर अपने जो ईमेल आईडी डाला था उसको वेरीफाई करना है। और इन स्टेप्स के बाद जो है आपका अकाउंट इस एक्सचेंज के ऊपर क्रिएट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इसके KYC वेरीफिकेशन प्रोसेस के बारे में। सबसे पहले आपको अपना इनको एक आईडी प्रूफ सबमिट करना है, आप पैन कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट के अंदर आपको जो अपना इनको एड्रेस प्रूफ सबमिट करना है जिसके अंदर आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड या फिर पासपोर्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको इनका अपना पैन नंबर सबमिट करना है, आधार नंबर सबमिट करना है, और एक जेंडर सेलेक्ट करना है कि मेल या फीमेल है, और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ जो है आपको इनको सबमिट करनी है। ये स्टेप करने के बाद आपका जो फर्स्ट स्टेप है KYC वेरिफिकेशन का वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपको इनको सारी अपनी जो भी बैंक अकाउंट डिटेल्स है वो सबमिट करनी है। आपको वो बैंक अकाउंट डिटेल सबमिट करनी है जिसके अंदर आप जो है अपने ट्रेडिंग इस एक्सचेंज के ऊपर करना चाहते हैं। इस स्टेप के बाद आपका जो KYC वेरिफिकेशन प्रोसेस है इस एक्सचेंज के ऊपर स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं इसके सपोर्ट सिस्टम के बारे में। इसका जो सपोर्ट सिस्टम है वो काफ़ी सारे लैंग्वेजेस के अंदर अवेलेबल है, जैसे कि इंग्लिश, हिंदी, तमिल एंड तेलुगु। इसके सपोर्ट सिस्टम के अंदर अगर आप जाएंगे तो इनके ऊपर जस्ट जनरली जो टॉपिक्स होते हैं जैसे कि P2P से रिलेटेड, ट्रेडिंग से रिलेटेड, KYC वेरिफिकेशन प्रोसेस से रिलेटेड, डिपॉजिट एंड विदड्रॉल से रिलेटेड, या फिर जो भी जनरली टॉपिक्स होते हैं इनके, इन्होंने काफ़ी सारे जो क्वेश्चंस हैं वो दिए हुए हैं, और उन क्वेश्चंस के आंसर इन्होंने विद फोटोग्राफ्स एंड वीडियोज़ की हेल्प से उन क्वेश्चंस का आंसर इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ है। और अगर आपको कोई भी क्वेरी आती है तो आप इन क्वेश्चंस का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी क्वेरी को सॉल्व करने के लिए। इसके बाद इनके पास एक और भी ऑप्शन है चैट का। आप हेल्प सेंटर में जाएंगे तो आपको राइट साइड में एकदम लास्ट में एक चैट का ऑप्शन मिलेगा जहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे इनके साथ चैट करने के लिए, जिसमें से आपको सेलेक्ट करना है कि आपकी प्रॉब्लम किस टॉपिक से रिलेटेड है, रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, डिपॉजिट या विड्रॉल से रिलेटेड, या कोई अदर इशू है। ये सेलेक्ट करने के बाद आपकी जो लाइव चैट है वो इस एक्सचेंज के साथ स्टार्ट हो जाएगी, और आप जो है वो अपना इशू इनके साथ डिस्कस कर सकते हैं। इसके बाद अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेरी रह जाती है तो आप इस एक्सचेंज के ऊपर एक टिकट भी वो है रेज कर सकते हैं, जिसके लिए सबसे पहले आपको अपना नेम इनको डालना पड़ेगा, अपना मेल आईडी डालना पड़ेगा, अपना जो भी इशू है उसका सब्जेक्ट डालना पड़ेगा। उसके बाद आपको एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिलेगा जिसके अंदर आपका जो भी इशू है वो आपको इनको डिटेल के अंदर समझाना है। और उसके बाद आपका जो अगर कोई फाइल रह होती है आपके पास अगर अपने इशू से रिलेटेड तो वो भी आप इनको इनके पास सबमिट कर सकते हैं, और उसके बाद आपकी जो टिकट है वो रेज हो जाएगी और जल्दी आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। इन सब के बाद भी अगर आपकी कोई क्वेरी रह जाती है तो इनके सपोर्ट मेल आईडी है जो कि है support@jiotus.com, इसका भी इस्तेमाल आप अपनी कोई भी जो क्वेरी इस ट्रेडिंग एक्सचेंज के ऊपर अगर आपको आती है तो आप इस आईडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जियोटस क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फिन स्ट्रीट। थैंक यू।